नमस्कार दोस्तों, आज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सबसे पहला चैप्टर स्टेबिलिटी एंड इंडिटरमिनेसी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक एक करके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के सारे कॉम्पिटिटिव पार्ट जो हैं अपन कवर करेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे कि इसमें कितनी कितनी सपोर्ट पे रिएक्शन एक्सटर्नल रिएक्शन आ सकती हैं। और जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट इसको क्लैंप सपोर्ट भी बोलते हैं, कई कई जगह इनकास्टर सपोर्ट भी लिखा आता है। तो देखो जैसे इसमें किस तरह से ये रिएक्शन शो की गई है वो बताते हैं। जैसे मान के चलो इस पे कोई वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है, ठीक है? तो इस वर्टिकल रिएक्शन को रजिस्ट करेगा वर्टिकल कोई लोड आ रहा है, मान चलो 10 किलो न्यूटन है या कुछ भी एक W है, तो उसको रजिस्ट कौन करेगा? एक रिएक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा जो है, जैसे वर्टिकल को रजिस्ट कर लिया रिएक्शन R ने, ठीक है? और एक हो गया, अब 10 की वजह से मान के चलो इसकी लेंथ है L, इस पे अब 10 इंटू L ये क्या हो जाएगा? मूवमेंट। मूवमेंट को रजिस्ट कौन करेगा? इसके रिवर्स में सपोर्ट मूवमेंट। तो एक मोमेंट इसने रजिस्ट कर लिया। मान के चलो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और आती है कोई, जैसे ए, मैं मान लेता हूं ए है कोई, ठीक है? तो इसको रजिस्ट कौन करेगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जो है फिक्स बी फिक्स सपोर्ट पे कितनी आ सकती है? 3, ठीक है? 1 2 3 मोमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन। तो ऐसे अपन हिंज सपोर्ट की देखेंगे। हिंज सपोर्ट भी बोलते हैं, कई जगह पिन सपोर्ट, स्मिन सपोर्ट भी बोलते हैं। जैसे इस पे आ जाएगा एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन, तो कितनी हो गई नंबर ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन? 2। एक है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में कभी कभी इसको ऐसे भी शो किया जाता है और एक इस तरह से भी डिनोटेशन है। तो इस पे केवल वर्टिकल रिएक्शन आ सकती है, हॉरिजॉन्टल फ्री रहता है, मूवमेंट पिन जॉइंट है इसलिए इस पे 0 होता है, ठीक है? एक है गाइडेड रोलर, ये भी एक तरह का सपोर्ट है। इसमें क्या है, वर्टिकल रिएक्शन आती है और एक मूवमेंट आता है, इसमें हॉरिजॉन्टली एक्सियली फ्री रहता है, ठीक है? अब आगे अपन देखेंगे इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज क्या है? ये मेंबरों के बीच में लगे, ये भी हिंज है, ये हिंज सपोर्ट है, ये हिंज जॉइंट है, ठीक है? दो मेंबरों को कनेक्ट कर रहा है। हिंज जॉइंट की पहचान क्या है? इस पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है अपन का 0 होता है, ठीक है? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। इंटरनल रोलर, इंटरनल रोलर में क्या है, जैसे इस तरह का, इसमें एक्सियल फोर्स 0 होता है। एक्सियल फोर्स कब लगता है? एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है? तो एक्सियल फोर्स इधर इधर से भी फ्री है, इस साइड से भी, दोनों साइड से फ्री है, इस तरह से मूव कर सकते हैं दोनों। तो इस पे क्या है, एक्सियल फोर्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद एक और है, इस पे अगर ये रोलर वर्टिकल टाइप में है, जैसे इस तरह से अगर मैं इस पे कोई वर्टिकल फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पे शियर फोर्स काउंट करेंगे तो शियर फोर्स सी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे क्या होगा? 0 होगा। ये इस तरह से बेंड कर जाएगा और ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल लिंक वगैरह अपन देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें इंटरनल लिंक में। ये इंटरनल लिंक इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ दो हिंज हैं। इसको इस तरह से बना दिया एल शेप में, जेड शेप में, सॉरी। इसमें क्या है, इंटरनल लिंक में केवल इस, ये जो मेंबर है एपी, इसमें केवल एक्सियल फोर्स जनरेट होगा, बाकी बेंडिंग मोमेंट जो है दोनों हिंज हैं ए और बी, दोनों पे क्या होगा? 0 करेंगे अपन, ठीक है? अब इंटरनल हिंज प्रोवाइडेड ओनली वन एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हमारे लिए दे देता है कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन की, ठीक है, हिंज की। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होते हैं? 3 होती हैं, जैसे समेशन एच इक्वल टू 0, समेशन बी इक्वल टू 0, समेशन एम इक्वल टू 0। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सबका समेशन 0 के बराबर होगा, ठीक है? इसी तरह से वर्टिकल में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन सबका वर्टिकल डायरेक्शन में 0 के बराबर होगा। इसी तरह से मूवमेंट है, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, अब अपन सबसे पहले स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम इंडिटरमिनेसी पाएंगे, ठीक है? तो स्टेबिलिटी भी इसको 2 टाइप में बांट दिया है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ये जो होती है एक्सटर्नल, ये होती है सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है? और ये होती है आपकी इंटरनल ज्योमेट्री से रिलेटेड। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें अपन की स्टेबिलिटी जो है
स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मिनिमम 3 रिएक्शन, मिनिमम मतलब 3 तो रिएक्शन आपकी होनी ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। 3 से ज्यादा हो सकते हैं तो ओवरस्टेप हो जाएगा, कोई नहीं पर स्टेबल ही रहेगा। 3 से कम ना हो, ये स्टेबिलिटी। दूसरा है नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट का मतलब है सारी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो एक पॉइंट पे ना मिले, ठीक है, अलग अलग जगह पे मिले तो वो नॉन कॉन्करेंट हो जाएगा। उसके बाद नॉन पैरेलल की मतलब है रिएक्शन जो है तीनों वो क्या है, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे है वो एग्जांपल में अपन देखेंगे बताएंगे। सबसे पहले देखो अब स्टेबिलिटी का, इसमें हम एक्सटर्नल स्टेबिलिटी निकालेंगे, इंटरनल की बाद हम बात करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखो, इस पे क्या है, 3 रोलर सपोर्ट है। 3 रोलर सपोर्ट में केवल 3 वर्टिकल रिएक्शन जनरेट हो सकती है, वर्टिकल वर्टिकल इस पे भी और इस पे भी वर्टिकल, ठीक है। तो अब 3 रिएक्शन है, ये तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन। नॉन पैरेलल, अब पैरेलल देखो, पैरेलल ये भी इस पे भी, इसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल में, इसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल में, इसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल में, तो तीनों की डायरेक्शन किसमें है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो तीनों क्या है, पैरेलल है, नॉन पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हो गई, नॉन पैरेलल कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए केस क्या हो गया, अनस्टेबल। मतलब कोई भी तीनों में से एक ऐसी कंडीशन जो सेटिस्फाई कर दे वो कोई भी, चाहे नॉन 3 रिएक्शन हो, नॉन पैरेलल हो या फिर नॉन कॉन्करेंट, एक भी कंडीशन अगर फेल होती है तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसमें देख लो जैसे सिंपली सपोर्टेड की तरह बीम है पर इसमें 2 रोलर है, ठीक है, इसमें 3 रिएक्शन। अब 3 रिएक्शन मिनिमम होनी चाहिए लेकिन नहीं है। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, हिंज होता है, एक रोलर होता है, तो इसमें 2 रोलर है इसलिए तो 3 रिएक्शन नहीं है, इसलिए अनस्टेबल हो गया। तीसरा ये किस देखो, अब देखो ये हिंज है, ये आपका रोलर सपोर्ट हो गया, ये भी रोलर सपोर्ट हो गया। देखो इसकी अब सबसे पहले 3 रिएक्शन हो गई, 3 हो गई, चलो 4 ही हो गई, एक ज्यादा ही है, 3 रिएक्शन वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल का मतलब है पैरेलल नहीं है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है, तो नॉन पैरेलल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। नॉन कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पे तो नहीं मिल रहे कहीं पर, यहाँ देखो ये इसकी जो डायरेक्शन है रोलर की, बॉटम वाले की, इसकी मिल रही है इस पॉइंट पे, इसकी भी यही है और इसकी भी डायरेक्शन शो हो रही है इस तरह से इसी पॉइंट पर, तो तीनों एक पॉइंट पे मिल रही है, तो क्या है, नॉन कॉन्करेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए क्या है, अनस्टेबल केस है। इसी तरह से हम फोर्थ केस देखेंगे, इसमें इसमें भी सारी केस है 3 रिएक्शन। देखो एक रोलर पे होगा, 3 और 2 हिंज पे हो गई, तो इस तरह से 3 रिएक्शन हो गई सेटिस्फाई। नॉन कॉन्करेंट का मतलब है वो एक ही पॉइंट, अब देखो इसका डायरेक्शन यहाँ पे इस जगह मिल रहा है, इसका डायरेक्शन यहाँ मिल, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है, इसका हॉरिजॉन्टल का रिएक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, नॉन कॉन्करेंट। सो नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट भी है, ठीक है। उसके बाद नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है क्योंकि तीनों का अलग 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 डायरेक्शन है, इसलिए तो ये केस क्या कहलाता है, स्टेबल कंडीशन है। अब अगला पॉइंट, एक और एग्जांपल ऐसे मान चलिए कर्व शेप भी में आर्ट्स टाइप में, इसमें सब 3 रिएक्शन है सेटिस्फाई, नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, ठीक है, नॉन पैरेलल भी है। उसके बाद नॉन कॉन्करेंट, अब देखो तीनों की डायरेक्शन एक ही पॉइंट में मिल रही है, इसलिए क्या है, नॉन करंट कॉन करंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए क्या हो गया, अनस्टेबल केस। आगे अपन देखते हैं ये इंटरनल जो लिंक वाला केस है, अपन जैसे सबसे पहले इसमें 3 रिएक्शन देखो, एक एक इस पे है, 2 इस पे, तो 3 रिएक्शन सेटिस्फाई। नॉन पैरेलल क्या है, नॉन पैरेलल तीनों की अलग अलग कंडीशन है, ये भी सेटिस्फाई है। नॉन कॉन्करेंट किसी पॉइंट पर नहीं मिल रहा, ये भी सेटिस्फाई है। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर आ जाए यहाँ पे, जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स आ जाए तो क्या करेगा, ये लिंक जो है बेंड कर देगा इस तरह आगे की तरफ, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या हो गई, इंटरनली जो है मेंबर स्टेबल नहीं है, इस वजह से मेंबर क्या हुआ है, ए बी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल अनस्टेबल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं इंटरनल इंटरनल इंडिटरमिनेसी, ठीक है, इंटरनल स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इंटरनल स्टेबिलिटी में सबसे पहले अपन देखेंगे नो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी मूव रिलेटिव टू अदर पार्ट सो दैट ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री ऑफ स्टेबिलिटी इज सेफ स्टेबल। मतलब एक पार्ट स्ट्रक्चर का दूसरे के एस्पेक्ट में मूव नहीं करना चाहिए, तब तो वो सेफ है, ठीक है। अब टू प्रिजर्व द ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी दियर शुड बी नो नॉट दियर कॉलिनियर हिंजेस। मतलब इसको अगर अपन को प्रिजर्व करना है तो अपन की 3 लगातार हिंज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एक हिंज ये हो गया, एक ही हो गया, एक कॉलिनियर है एक ही डायरेक्शन में, तो इस वजह से तीनों का क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म बन जाएगी, तो ये कौन सा केस हो गया, अनस्टेबल केस, जैसे बीम का एग्जांपल दिया हुआ है।
अब ट्रस का केस देखो, ट्रस के केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए अपन लेते हैं एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री। ये कैसे आया आगे के लेक्चर उसमें बताऊंगा मैं। स्टेबिलिटी की कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेंबर के बराबर अगर टू जे माइनस थ्री है तो स्टेबिलिटी कंडीशन है। जैसे कि मेंबर इसमें कितने हैं, अपन गिन लेते हैं, सात मेंबर है इसमें, ज्वाइंट है इसमें पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच ज्वाइंट है। तो एम इक्वल टू कंडीशन लगाने, सात मेंबर टू इंटू फाइव माइनस थ्री इक्वल टू सेवन इंटू, तो सेवन स्टेबल कंडीशन है। सेकंड केस देख सकते हैं इसमें, इसमें भी जॉइंट मेंबर इस तरह से, तो 12 इंटू 11, तो इसमें क्या है मेंबर ज्यादा है, 2j माइनस 3 की इक्वेशन कम है, तो ये स्टेबल केस है। स्टेबल क्यों है, बराबर क्यों नहीं, वो देखो आगे के उसमें देखो। ये देखो m इक्वल टू 2j माइनस 3, इसमें क्या है, ये इंटरनली स्टेबल कंडीशन है। अगर m लेस देन इक्वल टू लेस देन 2j माइनस 3, डेफिशिएंट ज्योमेट्रिकल, ये अनस्टेबल केस हो जाएगा। ठीक है, अगर 2j माइनस 3 की वैल्यू ज्यादा है किससे, मेंबर से। अगर मेंबरों की वैल्यू 2j माइनस 3 इससे ज्यादा है तो ये कंडीशन हो गई ओवर स्टिप ज्योमेट्रिकल स्टेबल। ओवर स्टिप हो सकता है वो स्टेबल होगा, लेकिन अगर डेफिशिएंट है तो इसका मतलब अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद अपन अब इसमें अब देख सकते हो, इस केस में 12 मेंबर ज्यादा आ रहे हैं और 11 जो है वो 2j माइनस 3 की इक्वेशन कम आ रहे हैं, तो मेंबर ज्यादा है उससे, तो कौन सा हो गया ओवर स्टिप। ओवर स्टिप केस में स्टेबल। ठीक है, अब ओवरऑल स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी में एक चीज देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कंपलसरी होती है अपनी। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अगर है, अगर ज्यादा है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ओवर स्टेप है तो सही है, तो ठीक है। और अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी में अगर हम इंटरनली की बात करते हैं, तो इंटरनली में अगर मेंबर जो वो 2j माइनस 3 की जो वैल्यू है वो कम है किससे, मेंबर से, तो ये कौन सी केस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m 2j माइनस डेफिशिएंट हो जाएगा। तो एक डेफिशिएंटी कंडीशन हो गई और एक एक्सटर्नली स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मान के चलो ज्यादा, एक वैल्यू ज्यादा, तो ओवरऑल जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा, देखो एक्सटर्नल स्टेबल इस केस में क्या है, एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है। अगर मैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले थ्री रिएक्शन ठीक है, नॉन कॉन्करेंट ठीक है, और नॉन पैरेलल सही है। ठीक है, इंटरनली में क्या बात करते हैं कि 2j माइनस 3 इक्वल टू m। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो 2j माइनस 3 माइनस है, तो मेंबर कम है लेकिन ये इंटरनली ज्यादा है। तो ओवरऑल अब देखो एक्सटर्नली अगर एक डिग्री, मतलब रिएक्शन अगर तीन से ज्यादा होती, चार होती, तो क्या हो जाता है, एक डिग्री ओवर स्टेप हो जाता है एक्सटर्नली। लेकिन इंटरनली में केस में क्या है कि मेंबर कम है और वो ज्यादा है, तो कौन सा केस हो गया, ये वाला सेकंड वाला केस, तो डेफिशिएंट हो गया। तो डेफिशिएंट हो गया तो इस वजह से जो ओवरऑल है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक नोट लिखा है, देखो एवरी ट्रायंगल पैनल स्टेबल और रेक्टेंगल अनस्टेबल इंटरनल, ये एग्जाम्पल से आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, इस केस में देखो, देखो दोनों पे हिंज है, दोनों पे हिंज है। एक्सटर्नली अगर बात करें तो ओवर स्टेप है, क्यों, क्योंकि मिनिमम थ्री रिएक्शन चाहिए, है कितनी अपनी, चार, दो इस पे आती है, दो इस पे आती है, तो चार तो ओवर स्टेप है। इंटरनली देखते हैं एम माइनस टू जे माइनस थ्री, तो क्या है, मेंबर कम है ये और 2j माइनस 3 की क्वेश्चन, तो डेफिशिएंट तो है, कितने डिग्री है, एक 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 की कमी, अगर एक मेंबर अपन लगा दें तो ये इंटरनली स्टेबल है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपन क्या देखते हैं, मैंने बोला था एक्सटर्नली देखते हैं ज्यादातर, तो एक्सटर्नली क्या है, स्टेबल है। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक इसका जुड़ गया, एक इसका, इसका कम है, इसका एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इस वजह से ओवरऑल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अगला ये केस देखते हैं एक्सटर्नली का, देखो अब इसमें दो पैनल है, एक ये फर्स्ट पैनल ले रहा, सेकंड पैनल ले रहा। तो फर्स्ट पैनल में क्या करते हैं, थ्री रिएक्शन देखते हैं, इसमें थ्री रिएक्शन है, थ्री रिएक्शन सेटिस्फाई, नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, तीनों कंडीशन है। इंटरनली में अब देखते हैं मेंबर जॉइंट, नौ मेंबर हैं इसमें, जॉइंट सिक्स हैं, तो ऊपर से नौ, नाइन मेंबर और टू इंटू सिक्स माइनस थ्री, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो स्टेबल आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट पैनल जो है इसमें ओवर स्टेप है और राइट पैनल जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसलिए क्या है, ये डेफिशिएंट है। तो ओवरऑल इस वजह से बैलेंस हो रहा है कि स्टेबल बन जाए, लेकिन जब एक्सटर्नली स्टेबल है, अगर एक्सटर्नली ओवर स्टेप होता तब इसको हम ओवरऑल कहते स्टेबल, लेकिन अब क्या है, ये क्या है, इंटरनली भी एक भी डिग्री शो नहीं कर रहा स्टेबिलिटी, एक्सटर्नली स्टेबिलिटी और इंटरनली स्टेबिलिटी, तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, अनस्टेबल केस हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ओवर स्टेप नहीं है, इसमें है, इसमें स्टेबल तो है लेकिन क्या है, राइट पैनल नहीं है, इस वजह ये ओवर स्टेप है लेफ्ट पैनल और राइट पैनल जो है डेफिशिएंट, तो इस वजह से ये जो मेंबर है ओवरऑल जो स्टेबिलिटी चेक करेंगे वो अनस्टेबल केस हो गया। ठीक है,
अब जैसे इन केसों को देखोगे आपका समझ आ जाएगा। जैसे ये वाली अगर मैकेनिज्म, मैंने बोला था थ्री अगर लगातार कॉलिनियर हिंज आ जाए तो क्या है, मैकेनिज्म बन जाती है जिससे कॉलप्स हो जाता है, तो इसकी वजह से ही क्या हो जाता है अनस्टेबल। तो देखो इसमें एक्सटर्नली चेक करेंगे तो मोर देन थ्री रिएक्शन है, नॉन पैरेलल है, नॉन कॉन्करेंट है। इंटरनली क्या है, इंटरनली क्या है, इसमें थ्री हिंज है, तो ये कौन सा ये मैकेनिज्म बन रही है, तो अनस्टेबल केस हो गया। तो ओवरऑल क्या है, एक्सटर्नली अब ज्यादा है मोर देन थ्री रिएक्शन, तो इस वजह से क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इनडिटर्मिनेट होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नली, एक्सटर्नली क्या होगा, एक्सटर्नली इसमें देखेंगे कि दो, अब देखो इसमें दो रिएक्शन है तो एक्सटर्नली अनस्टेबल हो गया, तो एक्सटर्नली क्या हो गया अनस्टेबल। जब एक्सटर्नली आपका अनस्टेबल आ गया, इसका मतलब ये जो मेंबर है वो हमेशा याद रखना ज्यादा अनस्टेबल ही आएगा। ठीक है, तो इंटरनली चाहे ओवर स्टेप ही क्यों ना हो, अब देखो इंटरनली इसमें क्या है ओवर स्टेप है, तो ओवरऑल क्या कहेंगे इसको अनस्टेबल केस। इस केस में देख लो इसकी तीनों रिएक्शन जो है एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, नॉन कॉन्करेंट की ये वाली। ठीक है, और नॉन पैरेलल है, नॉन थ्री रिएक्शन है, लेकिन एक्सटर्नली क्या हो गया अनस्टेबल हो गया। तो एक्सटर्नली अनस्टेबल तो सीधी सीधी बात है, इंटरनली को चेक करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल स्टेबिलिटी पूछे तो अनस्टेबल। अगर इंटरनली पूछे तो इसमें देख सकते हो मेंबर और जॉइंट गिनके तो 12 इक्वल टू 3, तो ओवर स्टेप केस है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल क्या होगा अनस्टेबल केस। अब अपन बात करते हैं इनडिटरमिनेसी की। इनडिटरमिनेसी में क्या है, ये इसका अगला पार्ट है नया। तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी डिवाइड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक स्टैटिक है एक काइनेमेटिक है। ठीक है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी में क्या करेंगे, सबसे पहले दो स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलोन कॉल्ड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। टू एनालाइज ऑफ दीज स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा इक्वेशन आर रिक्वायर्ड विच आर कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन विल बी इक्वल टू द स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। इसमें कहने का मतलब है कि अगर किसी स्ट्रक्चर को हम एनालिसिस करेंगे, अगर उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो वो क्या होगा उसको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लगेंगी, और वो एक्स्ट्रा कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन ही क्या करती है स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को शो करती है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले एक्सटर्नल को देखेंगे, इसमें क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम। ये एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन इन द एक्सिस टू अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर जो सपोर्ट रिएक्शन आपकी जितनी ज्यादा होंगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कम होती है, तो उसमें क्या है जो उनका डिफरेंस जो आता है वो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को बताता है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है आपकी सफिशिएंट नहीं है सपोर्ट रिएक्शनों को कैलकुलेट करने के लिए, तो इस वजह से ये क्या होगा एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंस है। तो इसका फॉर्मूला है डीएसी डिग्री ऑफ स्टैटिक स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी एक्सटर्नली, तो आर माइनस आर, तो आर तो सपोर्ट रिएक्शन होगी और स्मॉल आर क्या होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एच समेशन बी समेशन एम। थ्री आगे अपन देखते हैं इसमें वर्टिकल लोडिंग। अब देखो इसमें क्या है, दो लोडिंग, अब दोनों केस डिस्कस करेंगे। अगर केस बीम का केस है, अगर बीम के केस में दे रखा है कि वर्टिकल कंडीशन है, ठीक है वर्टिकल लोड लग रहा है, ठीक है वर्टिकल लोड लग रहा है, और एक है जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग में क्या करते हैं अपन, जैसे कि इसमें अपन जनरल लोडिंग मान के चलते हैं कि सभी रिएक्शन आ सकती हैं स्ट्रक्चर। जैसे पहले मैं जनरल लोडिंग का बताता हूँ, तो इस पे दोनों सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे एक सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आ सकते हैं, तीन, तीन इस पर, तो टोटल कितनी हो गई छह। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है, तीन, तो टोटल कितना आ गया तीन। तो ये तो हो गया जनरल लोडिंग का। अब वर्टिकल लोडिंग का देखो इसमें क्या है, अब इसमें डिफाइन कर दिया कि लोडिंग जो आपकी आ रही है वो वर्टिकल आ रही है, तो इस वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है वो नहीं होंगी। तो इसमें क्या क्या आएंगे, एक सपोर्ट पे मान चलो ए पॉइंट है, इस पे आएगा वर्टिकल रिएक्शन और मूवमेंट, इस पे भी क्या आएगा वर्टिकल रिएक्शन और मूवमेंट, तो टोटल कितने हो गए दो और दो चार। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल का कोई यूज ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी बची, समेशन वर्टिकल इक्वल टू जीरो और मूवमेंट इक्वल टू जीरो, तो दो आएंगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कितनी बची दो, तो टोटल कितनी हो गई इसकी फोर माइनस टू इक्वल टू टू, तो इसकी टू आ रही है जब वर्टिकल लोडिंग लगता है, और सिंपल जनरल लोडिंग में थ्री वैल्यू, तो याद रखना है गलत मत कर देना। ठीक है, अगला केस है मान चले सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इसमें लोडिंग डिफाइन करती केवल हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, तो इसमें देखोगे रोलर पर रिएक्शन आएगी नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल लोड है, बट इस पर रिएक्शन हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन आएगी केवल एक आएगी, ये वर्टिकल नहीं आएगी हॉरिजॉन्टल आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो कर दिया है। तो इसमें अब टोटल रिएक्शन कितनी आएगी, बी पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है इसलिए एक हो गई एक्सटर्नल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट की कंडीशन और वर्टिकल कंडीशन ये तो होंगे नहीं, केवल समेशन मूवमेंट इक्वल टू जीरो, वो सॉरी समेशन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो यही आएगा, तो एक लेंगे अपन, एक माइनस एक इक्वल टू जीरो। ठीक है,
अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस में। अब ये सिंपल केस है, जैसे इस पे जनरल लोडिंग का केस है, कोई लोडिंग नहीं दी हुई है, तो थ्री इस पे रिएक्शन आ जाएंगी, एक इस पे आएगी रोलर पे, एक रोलर, तीसरा थ्री फिक्स पे, तो टोटल 8 हो गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 है तो 5 हो गई, ठीक है। अब इंटरनली स्टैटिक एंड डिटरमेसी बात करेंगे। ये क्या है, दो केसों के लिए बात करेंगे, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम या ट्रस बोलते हैं इसे, और एक रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। अब पहले इसकी देखते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला बनता है। तो डी स्टैटिक ऑफ इंडिटरमेसी ऑफ इंटरनली, देखो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो क्या हो गया m, जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, अब m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। देखो कैसे है, इसमें क्या है कि अपन सबसे पहले एक जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ मेंबर, क्यों क्या, क्योंकि मेंबर में ही रिएक्शन जनरेट होगी इंटरनली, क्यों, क्योंकि इसमें की क्या रेजिस्ट करेगा, एक्सियल फोर्स, क्योंकि जॉइंट पे क्या होगा, ट्रस के केस में हिंज जॉइंट बनेगा, हिंज जॉइंट की वजह से उसमें क्या होगा ना, मूवमेंट हमेशा जीरो रहेगा, केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से इस पे जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन है वो किसमें आएगी, केवल मेंबर में, और मेंबर में कौन सी आएगी, एक्सियल, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर कर दिया। अब आगे अपन बात करते हैं जॉइंट की, ठीक है। तो जॉइंट की बात करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे अपन, जॉइंट के केस में क्या करेंगे, इस जॉइंट पे क्या है, अब एक जॉइंट है, एक जॉइंट पे दो रिजॉल्व कर सकते हैं, दो रिएक्शन इक्वेशन आ सकते हैं, समेशन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो, समेशन वर्टिकल इक्वल टू जीरो, मूवमेंट को तो कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से एक जॉइंट को एनालिसिस करने के लिए कितनी चाहिए रिएक्शन, दो, तो इस वजह से टोटल अवेलेबल इक्वेशन 2 × 6 कर दिया है। अब टोटल जो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जो एक्सटर्नली रिएक्शनों को सपोर्टों को निकाला जाता है, वो कितनी होती है, 3, इक्विलिब्रियम समेशन एच बी इक्वल 0, तो टोटल क्या हो? अब आगे टोटल नेट अवेलेबल इक्वेशन कितनी हो गए, 2j-3, 2j-3 हो गया, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस नेट अवेलेबल कंडीशन, तो नेट अवेलेबल कंडीशन 2j-3 और टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन है, तो इस वजह से फॉर्मूला ड्राइव होता है। अब रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम देखेंगे, ये क्या है, अब जैसे हम 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे, ठीक है। 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम ईच मेंबर हैज 3 इंटरनल रिएक्शन। अब रिजिड जॉइंट पे हर हर सेक्स हर जो जो मेंबर होता है उसमें क्या क्या आता है, एक्सियल फोर्स होता है उसमें, शियर फोर्स और बेंडिंग में तीनों होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हिंज नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इसमें जो होता है अपन जो थ्री इन थ्री की वजह से थ्री इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्लोज लूप में लेते हैं, इसमें 3 × C, मतलब क्लोज लूप का मतलब बाउंड हो अगर कोई स्ट्रक्चर, तो उसमें एक क्लोज लूप लिया जाता है, ठीक है। वो एग्जांपल में समझेंगे, इंटरनल इंडिटरमिनेसी इन द रिजिड फ्रेम विल नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट इफ इट 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 फॉर्म एन ओपन कॉन्फिगरेशन लाइक ट्री। अगर इंटरनल इंडिटरमिनेसी एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब एक जो स्ट्रक्चर है वो आपका ओपन हो, जैसे कि एक बीम है, अब बीम कोई बाउंडेड नहीं होती, तो इस वजह से बीम क्या है, इंटरनली जो स्टेबिलिटी है इसकी फ्री रहती है, तो इसमें क्लोज लूप होता नहीं है, तो इसलिए जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होगी बीम की, वही जो है टोटल इंडिटरमिनेसी होगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ओपन फ्रेम, ओपन फ्रेम का मतलब है कि वो उसमें कोई क्लोज बाउंड ना हो, ठीक है, इस वजह क्लोज बाउंड ना हो, वो केवल ओपन हो, उसमें कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा हो, तो ये केस जो होते हैं वो इंटरनली क्या होते हैं, इंटरनली फ्री होते हैं, रिजिड जॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अब तो उसमें भी एक कंडीशन है कि उसमें कोई हिंज पॉइंट नहीं आना चाहिए, ना बीम के केस में ना उस केस में, तो बीम के केस में आता है तो रिलीज करता है, वो अपन आगे देखेंगे अगले एग्जांपल में। तो इन केसों में बीम और ओपन फ्रेम के बीच में हिंज ना आए, तो वो इंटरनली क्या होती है, इंटरनल इंडिटरमिनेसी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब देखो अगर रिजिड जॉइंट में किसी केस में अगर हिंज आ जाती है, तो क्या है, जैसे हिंज जॉइंट बोलते हैं, हाइब्रिड जॉइंट ही बोलते हैं, तो उस केस में इंटरनल रिएक्शन कैसे रिलीज होते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 3C-RR, RR है नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। अब मान के चलो जैसे ये हिंज पॉइंट है, अब दो मेंबरों पर लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, एक रिएक्शन रिलीज हो जाती है, तो इस पे एक इक्वेशन हमारे लिए बन जाती है, जिसपे मूवमेंट हम जीरो कर सकते हैं, जैसे आपने केस देखा होगा प्रॉप कैंटिलीवर का, और इसमें एक बीच में मिड सेक्शन में हिंज आ जाता है, तो उस पर एक एक्सटर्नल इक्वेशन अपन को मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक रिएक्शन रिलीज करता है, तो वही है ये, ठीक है। तो दो मेंबर को ऐड किया है, तो इसका जो फॉर्मूला है आरआर का, एम माइनस समेशन एम डैश माइनस वन, क्योंकि मेंबर को हमने एम से शो किया, तो उसको एम डैश से शो कर रहे हैं, ठीक है।
अब इस पे क्या है, जितने इससे मेंबर जुड़े हुए हैं उन मेंबरों को मेंबर माइनस के इसमें वन माइनस कर देंगे तो रिलीज रिएक्शन आ जाएंगे। तो जैसे इसमें टू थे, टू मेंबर जुड़े हुए हैं तो टू माइनस वन इक्वल टू वन, इसमें थ्री मेंबर हैं तो थ्री माइनस वन इक्वल टू टू, ऐसे सब में रिलीज है अलग अलग। जैसे ये भी रोलर है, रोलर ये इंटरनल लिंक की तरह ही है, इसमें बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा इस पॉइंट पर। एक्सियल फोर्स आएगा नहीं क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, अगर शोय होगा तो इसमें क्या है रजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं जीरो। तो इस वजह से रिलीज कितने मिल जाते हैं दो। इंटरनल लिंक पे इसमें भी इसमें कितने मिलते हैं दो, क्योंकि दो मेंबर इसमें जुड़ गए, दो मेंबर इसमें जुड़ गए, तो दो माइनस एक टोटल दो हो गए। इसमें भी शेयर फोर्स, अगर वर्टिकल रिएक्शन आती तो क्या शेयर फोर्स जीरो होता है, तो रिलीज कितना हो गया एक। इसमें भी एक्सेल फोर्स है जीरो, तो रिलीज कितना हो गया एक। ये आगे उसमें काम आएंगे, अपन को क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखो इस टोटल स्टैटिक एंड इंटरनल क्या हो गए, डी स्टैटिक एक्सटर्नल और डी स्टैटिक इंटरनल। अब देखो इनमें क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टू डी फ्रेम और बीम, ये केस सेम ही है। तो एक्सटर्नल इक्वेशन आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये मैंने बताई थी, एक्सटर्नल सेम ही रहेगी। इंटरनल भी क्या होगी, थ्री सी माइनस आर आर, थ्री सी माइनस आर, अगर हिंज हो तो ठीक है, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। और इनका एक फॉर्मूला और है जो आप कभी कभी बुकों में देख लोगे, थ्री एम माइनस थ्री जे प्लस थ्री, ठीक है, ये भी वही फॉर्मूला है, इससे भी इंटरनल की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, माइनस के आर आर, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, इससे थोड़ा जल्दी आ जाता है थ्री सी से, तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, ठीक है। टू डी ट्रस में क्या करते हैं, आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, इसमें मैंने बताया था एक्सटर्नल यही होगी सेम, और इंटरनल क्या होगी, एम माइनस टू जे माइनस थ्री। ये आर जो टू डी ट्रस में होते हैं, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, तो उसमें तीन ही आते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होना कि आर क्यों नहीं लिखा, तो आर की वैल्यू हमेशा तीन ही आएगी, ठीक है। तो रिजिड फ्रेम की बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल की बात करेंगे सबसे पहले। अब जिसमें जैसे इसमें फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, एक इंटरनल हिंज है, ये रोलर है, एक फिक्स है, तो इसमें टोटल कितने हो गए, तीन इस पे, एक इस पे और तीन इस पे, टोटल 10 एक्सटर्नल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कंडीशन थ्री, तो टोटल कितना आ गया सात। अगर इंटरनल निकालेंगे तो थ्री सी माइनस आर आर, थ्री सी क्लोज लूप बन रहा है, इसमें ओपन है तो नहीं होगा जीरो। आर आर कितनी है, दो मेंबर जुड़े हुए हैं तो एम माइनस वन, तो एम माइनस वन कितना हो गया, दो मेंबर हो गए और माइनस वन, तो कितना हो गया वन, तो आर आर की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन, सॉरी प्लस वन, तो टोटल ओवरऑल क्या हो गई माइनस वन। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक टोटल क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल को ऐड करेंगे, सेवन एक्सटर्नल और इंटरनल माइनस थ्री, तो कितनी हो गई सिक्स। इससे भी देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्री एम माइनस थ्री जी माइनस थ्री माइनस आर आर, इसमें मेंबरों को जोड़ दो, वन टू थ्री फोर फाइव मेंबर हैं, ठीक है, जॉइंट कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जॉइंट, इसमें इंटरनल हिंज इसको भी मेंबर बनाया जाएगा, तो सिक्स जॉइंट हो गए, प्लस थ्री माइनस आर आर कितना है वन, तो टोटल माइनस वन, तो सेम ही आ रहा है। उसके बाद इसमें सेकंड एग्जांपल देखेंगे, डीएस आर माइनस, इस केस में भी यही है, इसमें दो हिंज आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें टोटल एक्सटर्नल इक्वेशन थ्री वन वन, तो टोटल आर कितने हो गए पांच, और इसमें इक्विलिब्रियम थ्री, तो क्योंकि जनरल लोडिंग है इसलिए थ्री आए। तो उसके बाद स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल निकालते हैं, तो थ्री सी माइनस आर आर, थ्री इंटू जीरो माइनस के टू, तो इक्वल टू कितना हो गया माइनस टू, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक टोटल कितना हो गया, टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें भी वही किया हमने, एम माइनस वन ये साइड में दिया हुआ, टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन, क्योंकि दो दो मेंबर हैं दोनों साइड, इसलिए टू कर दिया। सेम अगला केस है, इसमें क्या है, इसमें एक इंटरनल रोलर लगा हुआ है, ये भी रोलर है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल, और इसमें इस पे रिएक्शन कितने आएंगे थ्री। अब इस पे गिना नहीं जाएगा, ये इंटरनल ही रोलर है, एक्सटर्नल गिनते हैं अपन, तो एक इस पे हो गया, तीन इस पे हो गया, तो तीन और एक चार माइनस के, इक्विलिब्रियम कंडीशन थ्री इक्वल टू वन आ गया। इंटरनल निकालेंगे तो क्लोज लूप जीरो है, माइनस के आर आर, आर आर कितने, इस पे मैंने बताया था कि रिलीज कितने होते हैं दो, तो माइनस के दो इक्वल टू माइनस के टू, तो टोटल वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, तो ये कौन सा अनस्टेबल केस हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन फोर्थ केस देखते हैं, ये अब देखो ये क्लोज बाउंड रूप वाला आ गया। अब देखो एक्सटर्नल तो वही होंगे, थ्री माइनस थ्री और थ्री सिक्स, सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री। अब इंटरनल निकालेंगे तो अब क्लोज लूप आ गया, इसमें वन, तो थ्री इंटू सी माइनस आर आर, तो थ्री इंटू क्लोज लूप कितना है एक है, तो थ्री इंटू वन थ्री। अब क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेंगुलर भी हो सकता है, या पांच भुजा वाला जो भी हो सकता है, बस क्लोज होना चाहिए, थ्री इंटू वन, केवल रिजिड फ्रेम के बाद में, उसमें ट्रस की बात नहीं है, ठीक है, ट्रस में नहीं हो, ट्रस में ये चीज कंसिडर नहीं करते, तो थ्री इंटू वन इक्वल टू थ्री, तो टोटल कितना हो गया सिक्स। अब इस केस में देखते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल निकालेंगे, आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू, अब देखो एक्सटर्नल रिएक्शन थ्री इस पे आएंगे, ये क्या है, गाइडेड रोलर है, मैंने बताया था, तो इस पर टू आएंगे, मूवमेंट और रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल जीरो होता है, तो टू इस पे आ गई, एक रोलर इस पे आ गया, तो टोटल कितनी हो गई छह, छह माइनस तीन इक्वल टू तीन। इंटरनली कितनी आ गई, थ्री इंटू वन,
माइनस के 6, आर 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 की वैल्यू कितनी हो गई रिलीज 6। अब 6 कैसे आया, देखो यहाँ पे एक हिंज है तो तीन मेंबर जुड़े हैं, तो इस पे कितने होंगे दो, इस पे कितना आएगा शियर फोर्स का एक, इस पे कितने मेंबर जुड़े होंगे चार, तो कितने आ गया तीन। तो देखो 3 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 1 तो टोटल कितने हो गए 6, तो टोटल 3 माइनस 6 इक्वल टू -3, ओवरऑल कितना हो गया 0। एक फ्रेम लास्ट केस है इसका आर माइनस स्मॉल आर 8, तो इसमें क्या होगा 8 माइनस 3 कर देंगे कैसे, 3 रिएक्शन एक्सटर्नल 2 ये एक्सटर्नल 1 और 2, ये एक्सटर्नल में काउंट नहीं होगा, ये मैंने बताया था इंटरनल रोलर है। तो इसमें टोटल कितने हो गए 5, ठीक है 3C माइनस RR, क्लोज लूप देख लो 1, इसमें क्लोज लूप हो गया 3 इंटू 1 माइनस के 6, ठीक है RR6 कैसे हो गया, दो इस पे हो गए, दो इस पे हो गए, एक इस पे हो गया, एक इस पे हो गया, टोटल -3, तो टोटल कितना हो गया 2। उसके बाद अब ये देखते हैं ये कर्व शेप आया था, कभी कभार ये कंफ्यूज करता है, देखो इसमें देखते हैं आर माइनस आर की एक्सटर्नल तो वही निकलता है 3 1 और 2, टोटल 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, इंटरनल में क्लोज लूप तो 1 है, एक वाउंड हो गया। उसके बाद माइनस के आर आर रिलीज कितने होंगे, मेंबर कितने हैं इस पे 1 2 3, तीन मेंबरों में से एक घटा दो तो 2 इक्वल टू 1, तो टोटल कितना हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल अगर फॉर्मूले से निकालो तो 3m-3j-r+-r। अब इसमें मेंबर जो गिने जाएंगे ना, इसमें कर्व शेप को एक मेंबर, इस जगह को यहाँ का एक मेंबर, इसको भी एक मेंबर, ठीक है यहाँ पे एक मेंबर, इस तरह से एक कर्व शेप को एक मेंबर और वर्टिकल को एक मेंबर, तो टोटल मेंबर कितना हो गया 8, और जॉइंट भी कितना हो गया, अब इस जगह को भी जॉइंट गिना जाएगा, इसको भी जॉइंट गिना जाएगा और इस यहाँ पे भी जॉइंट गिना जाएगा, तो टोटल 8 जॉइंट -3 -2, तो टोटल इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है तो सेम ही आ रही है इंटरनली। अब इसमें क्या है, इंटरनल इंडिकेटर में से निकाल लेंगे केवल, तो इसमें देखो क्लोज लूप से निकालते हैं तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, लेकिन अगर अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं देखो क्या है, तो इसमें जो है ये एक्सटर्नल निकला हुआ मेंबर है, इसको भी हम मेंबर काउंट करेंगे, तो इस वजह से 11 मेंबर होते हैं, और ज्वाइंट भी इस जगह दो ज्वाइंट करने जाएंगे, एक ये ज्वाइंट और एक बाहर निकला हुआ ये भी ज्वाइंट कंसिडर किया जाएगा इसलिए इसको टोटल कितने इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में लिख के बता दो कि इसमें ये चीज़ पार्ट समझ नहीं आया, या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसका पेज नंबर वगैरह मुझे बता दो कि इस बुक का इस पेज नंबर पे ये वैल्यू दी हुई है या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। थैंक यू।